हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो GTU बैचलर IT इंजीनियरिंग सेमिस्टर 7 के स्टूडेंट्स के रिलेटेड है। आज इस वीडियो में मैं आपको एजल डेवलपमेंट एंड UI और UX डिज़ाइन, मतलब कि AD एंड UD सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक कम्प्लीटली वॉच करना। बेसिकली यहाँ पे 6 चैप्टर्स है, तो सभी में से ऑन एन एवरेज 12 मार्क्स के अराउंड तो निकल कर आने ही वाला है, और जो आखिर का चैप्टर है उसका वेटेज थोड़ा लो हो जाता है, तो अराउंड 10 से लेके 12-14 तक का वेटेज सभी का रहने ही वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट कंपैरिजंस है एंड डेफिनेशंस। डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड कंपैरिजन के आंसर आपको लास्ट तक मिल जाएंगे, लेकिन ये जो फर्स्ट डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें से ऑन एन एवरेज वेटेज अराउंड 10-14 मार्क्स के करीब निकल कर आता है। फिर जो सेकेंड चैप्टर है, तो सेकेंड चैप्टर में से ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स के अराउंड निकल कर आता है, और जितने भी 7 मार्क्स के क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर थर्ड नंबर का जो चैप्टर है उसमें से 12 मार्क्स के करीब निकल कर आता है, और क्वेश्चन नंबर 4 है एंड 2 है वो काफ़ी ट्रिक अलग अलग करके निकल कर आता है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 है उस पर ज़्यादा ध्यान रखना। एंड जितने भी लाइफ साइकिल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4 नंबर का जो चैप्टर है उसका वेटेज हाई हो जाता है, अराउंड 14 तक का इसमें से निकल कर आता है। फिर 5th नंबर का जो चैप्टर होता है उसमें से भी अराउंड 10-14 मार्क्स के करीब निकल कर आता है। एंड आखिर का जो 6th नंबर का चैप्टर है उसमें से ऑन एन एवरेज 7 मार्क्स के करीब निकल कर आता है। आई होप स्टूडेंट्स कि मैंने आपको इस वीडियो में जो भी एक्सप्लेन किया वो आपको अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।